नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी, मैं कुलदीप कुमार। राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान की पुलिस ने 5 लाख और 1 लाख के कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने जहां एक तरफ 5 लाख के इनामी बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को पकड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ हाड़ौती के कुख्यात हिस्ट्री शीटर 1 लाख के इनामी बदमाश असलम उर्फ चिंटू को भी पुलिस ने धर दबोचा है। असलम को राजस्थान पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देने के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें कि असलम को हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद फिर से वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था, जिसके बाद कोटा की कोर्ट ने पुलिस को 21 दिन के अंदर असलम की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। उसके बाद से ही कोटा पुलिस जगह जगह छापेमारी कर चिंटू की तलाश कर रही थी, लेकिन चिंटू बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसके बाद कोटा रेंज के आईजी रवि दत्त गौड़ और एसपी विकास पाठक ने असलम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया और अपराधी की धरपकड़ तेज कर दी। इसके बाद टीमों ने अलग अलग स्तर पर छानबीन शुरू की और राजस्थान के कई शहरों में दबिश दी। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चिंटू की तलाश की गई। इस दौरान असलम की लोकेशन दिल्ली के आसपास मिली, लेकिन चिंटू को पुलिस के आने की भनक पहले से ही लग गई और चिंटू वहां से भागकर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ चला गया और फिर वहां से कोटा आ गया। यहां पर पुलिस ने कोटा के दर्रा इलाके से कुख्यात असलम को गिरफ्तार कर लिया है। चिंटू के खिलाफ कोटा के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें आधे मामले तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं और कुछ मामलों में असलम कोर्ट से बरी हो चुका है। हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद असलम के खिलाफ कोटा की कोर्ट से 4 संगीन मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद से ही पुलिस लगातार असलम की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने असलम को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी।